देखिए, पार्टी के स्तर पर तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, और हम लोग पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। अभी 8-9 सीटों पर हम बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और आने वाला 1-2 महीने में हमारी तैयारी और भी बढ़ेगी। इसलिए कार्यकर्ताओं की जो भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें, ताकि हमारी पार्टी का विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो, उसमें मजबूती है, और जिन उद्देश्यों से पार्टी का गठन हुआ उसकी पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वो सम्मान के साथ होगा, उस पर कोई विवाद नहीं है। सीटों की संख्या कोई विवाद नहीं। अप डाउन होगा तब भी संतोष सुमन जी समझौता, निश्चित तौर पर अप डाउन कुछ होता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 का रन बेहद ही करीब है, और ऐसे में बिहार की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल अपने तैयारियों में जुट चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। क्या तैयारी है 2024 को लेकर? देखिए, तैयारी हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव शहर हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं सबको बुला के मीटिंग कर रहे हैं, सब में उत्साह भर रहे हैं, और लोगों को ये बता रहे हैं हम लोग कार्यकर्ता के माध्यम से कि महागठबंधन की सरकार है, जो विकास के लिए जानी जाती है, माननीय नीतीश कुमार जी उनके साथ हम लोग हैं, और सब मिल करके गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का गठन भी इसीलिए हुआ था कि हम गरीबों की आवाज़ बने, और उसके लिए हम लोग यात्रा भी निकाल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और कुछ सीटों पर हमारी स्पेसिफिक तैयारी भी चल रही है। तो इस तरह से हम ग्राउंड स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ भी हम लोग को मौका मिलेगा, जहाँ भी हम लोग को समझौता के तहत जो 7 पार्टियों का अंडरस्टैंडिंग होगा, वो हम लोग को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हम समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं कि वो चुनाव जीत के आएंगे। आप यात्रा के तहत लोगों तक पहुंच रहे थे, धरातल पर जा रहे थे, और तमाम चीज़ें आपने बाखूबी देखी है। कितने सीटों पर, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, आपने क्या देखा, कितने सीटों पर आपकी पार्टी जो है मजबूती से चुनाव लड़कर जीत सकती है? देखिए, पार्टी के स्तर पर तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, और हम लोग पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। अभी 8-9 सीटों पर हम बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और आने वाला 1-2 महीने में हमारी तैयारी और भी बढ़ेगी। लेकिन जब गठबंधन की बात है, जब एक साथ मिल के बैठेंगे, वहाँ पर क्या होगा, कितने सीटों पर बात बनेगी जो सबके लिए सम्मानजनक है, तो उसके बाद फिर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी हमारी तैयारी है, और हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, और हम लोग जैसा कि पहले भी बोल चुके हैं कि 5 सीटों पर हम बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, और भी 3 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, उसके बाद भी हमारी तैयारी बढ़ते रहेगी। और इसका कारण भी है कि जब हम गठबंधन में हैं तो दूसरे दल भी हमारे साथ हैं, तो उनको भी हमको सहयोग करना, हमारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे तभी तो उनको हम दूसरे सीटों पर सहयोग कर पाएंगे। तो ये तैयारी चलती रहेगी, और चुनाव के दिन तक चलती रहती है, उसके बाद भी चलती रहती है। लेकिन हम लोग यही मांग है, व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें, ताकि हमारी पार्टी का विस्तार हो, संगठन का विस्तार हो, उसमें मजबूती है, और जिन उद्देश्यों से पार्टी का गठन हुआ उसकी पूर्ति हम लोग कर सकें। आपने कहा 5 सीटों पर तैयारी है, 3 सीटों पर और तैयारी आप कर रहे हैं, और आगे भी विस्तार करेंगे। अगर 5 सीटों पर बात नहीं बनती है तो फिर संतोष सुमन जी क्या करेंगे, रोड मैप क्या है? देखिए, ये बात है कि बनती है कि नहीं बनती है तो भविष्य का विषय है, और निश्चित तौर पर जब हम तैयारी कर रहे हैं और हर पार्टी एक दूसरे के सहयोग में खड़ा है, तो सभी 7 दल एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम भी दूसरे दलों का सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं कि उनकी कितनी क्षमता है, तो उस हिसाब से सम्मानजनक रेशियो मिलता ही है, और सम्मानजनक जब मिलेगा जब एक साथ हम बैठेंगे, तो इस पर कोई किंतु परंतु कोई बात नहीं है, गठबंधन है, गठबंधन अच्छे तरीके से हो जाएगा, सब मिल के ही चुनाव लड़ेंगे। जब भरोसा है कि 5 सीटों पर तैयारी हो चुकी है, तो आप तो कंप्रोमाइज करेंगे नहीं संतोष सुमन जी, और क्या महागठबंधन लग रहा है आपको कि 5 सीटों पर कंप्रोमाइज कर लेगी, और आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का विस्तार होगा और मेरी पार्टी मजबूत बनेगी, एक उद्देश्य है, अच्छी उद्देश्य है, मगर क्या लग रहा है कि महागठबंधन कंप्रोमाइज करेगी और कंप्रोमाइज के मूड में है? राजद के नेता कह रहे हैं कि मनाया जाएगा आप लोगों को, तो क्या मान मनोबल में मान जाएंगे या फिर देखिए कुछ नहीं सोचे हैं हम तो बोले हैं कि अगर बिहार के भविष्य के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, और एक बड़ी पार्टी, एक सांप्रदायिक पार्टी को हराने के लिए सब मिलकर बेड़ा उठाया, आदरणीय नीतीश कुमार जी जब आगे बढ़े हैं, पूरे देश के विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं, तो जब बैठ के तो निश्चित तौर पर सम्मानजनक समझौता होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर कर दिया जाएगा, किसी को छोड़ दिया जाएगा, और सबके हितों को ध्यान में रखा जाएगा, सबके कार्यकर्ताओं के भावनाओं को ध्यान में रखा। हमने एक तैयारी की बात
बात आपको की कि हम 5 सीट पर बहुत मजबूत स्थिति में हैं, 3 सीट पर तैयारी चल रही है, आगे भी बढ़ेंगे। एक पार्टी के तौर पर हम तो चाह रहे हैं कि 40 सीट पर भी हमारी तैयारी रहे, हम 40 सीट पर लड़ें। कोई नहीं चाहता है कि हम सब सीटों पर लड़ करके हम अकेले रहें, लेकिन उस तरह की बात नहीं है। गठबंधन का दौर चल रहा है, गठबंधन में सब लोग आपसी समझौता आपसी समन्वय की बात होती है, और जब आपसी समझौता समन्वय की बात होती है तो एक अच्छे माहौल में होती है, वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होती है। वहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन पार्टी कितनी क्षमता है, और अगर उनको लगेगा कि हमारे कैंडिडेट अच्छे हैं, हम वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो निश्चित तौर पर हमको मौका मिलेगा। और हम लोग आशावादी हैं, और हम लोग चाहेंगे कि हम जितना जितना सीट अपने पार्टी के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए निकाल के लाते हैं, वो हमारी काबिलियत है, हमारी नेतृत्व क्षमता। कम सीट भी मिलेगा तो आप महागठबंधन के साथ ही हैं। कम और ज़्यादा का कोई मामला नहीं है, मामला है कि महागठबंधन के साथ में हैं, महागठबंधन के साथ में रहेंगे। जब हमने बात की है कि भाई हम महागठबंधन के साथ में हैं, तो निश्चित तौर पर अगर बड़ी पार्टी को हराने की बात है, सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की बात है, तो किसी छोड़ के नहीं चला जा सकता है। लेकिन वो सम्मान के साथ होगा, उस पर कोई विवाद नहीं है। सीटों की संख्या कोई विवाद नहीं, अप डाउन होगा तब भी संतोष सुमन जी समझौता, निश्चित तौर पर अप डाउन कुछ होता ही है। चलिए, तो आपने सुना संतोष सुमन को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि अप डाउन भी होगा तो समझौता करने के लिए तैयार है, मगर महागठबंधन के साथ हैं। मगर 5 सीटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है, 3 सीटों पर और तैयारी चल रही है, पार्टी का विस्तार होना है, और महागठबंधन के समक्ष ये बातें रखी जाएगी कि 5 सीटें जो हैं वो अगर उनको मिलती है तो जीत सुनिश्चित है उन तमाम 5 सीटों पर, क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पूरी कमर कस चुकी है उन तमाम 5 सीटों पर। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।